Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th, page number 54. Name of hills and name of districts. Dear students, in previous page we already discussed about that, the name of hill and name of district. Okay, so here I write of that. You have to also write in your textbook. Okay. So next, that is, there is a big center of fishery in Verwals along the long coastal region of Gujarat. Okay, Gujarat ka jo coastal area hai, okay, wahan pe there is a big center of fishery in Verwal along the long coastal region of Gujarat. Fish ke liye ka bahut hi bada place hai. A flourishing is a huge business of vacancy thriving in Alang port in Bhavnagar district. Okay, Bhavnagar district mein jo Alang port hai, okay, wahan pe dear students sheep ko todne ka bahut hi bada business hai. Okay, usko todne ka, uske parts ko different divide karna, usko todna uska bahut hi bada business hai. Next, bamboo sadad Hadrao, sisam and timru trees grow in the forest of Dang. Okay, Dang ke forest mein, okay, Dang ke forest mein ye sab jo hai bamboo sadad, okay, ye sab trees hai wo wahan pe dekhne milte hain. Dear students, bahut sare aise wood hai jo particular type ke trees mein se hi hame milte hain, aur us type ke trees particular एरिया में ही ग्रो होते हैं. नेक्स्ट, बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी. एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेस्ट रीजन. ओके, एंटायर पूरा डांग डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलमोस्ट फॉरेस्ट रीजन में ही है. ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिरा फॉल्स आर ऑल्सो देयर. ओके, ये गिरा फॉल्स भी उसी डिस्ट्रिक्ट में है. सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. ओके, गुजरात का हिल स्टेशन सिर्फ ये सापुतारा है जो डांग डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट, पेज नंबर 55. गुजरात इज द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स. ओके, गुजरात में बहुत सारी रिवर्स है. नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर. ओके, नर्मदा बिगेस्ट रिवर है. साबरमती, तापी एंड महीसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात. ओके, ये सब गुजरात की दूसरी बड़ी रिवर्स है. सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर. ओके, सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है. बाय दीज इरीगेशन स्कीम्स वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन ऑफ गुजरात. वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ. दिस डैम इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, बाय दिस इरीगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन ऑफ गुजरात. ओके, ये इरीगेशन मेथड से ये पानी है वो गुजरात के बहुत सारे रीजन में पहुंचा है अप टू द कच्छ. ओके, हमारे प्लेस तक भी, एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट की जाती है. डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर. ओके, ये दोनों है वो रिवर पे ही कंस्ट्रक्ट होते हैं. What is the difference between these two? Okay, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? That means dam and bridge. तो dear student, एक चीज याद रखना, dam is constructed on river to collect the water. Okay, dam है जो जहाँ पे river से है वहाँ पे water को collect करने के लिए use किया जाता है. Whereas bridge is made to cross the river, and bridge है वो river को cross करने के लिए बनाया जाता है, एक place से दूसरे place तक जाने के लिए, उसके एक end से दूसरे end तक जाने के लिए. Okay, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. Then next, rivers of district. Okay, हम कच्छ district में रहते हैं, तो यहाँ की जो river है उसके मैंने name लिखे, रुक्मावती river, कंकावती river, नागमती रिवर, ये सब हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट की रिवर है. बिगेस्ट रिवर ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट दैट इज नर्मदा रिवर.
डैम्स लोकेटेड इन अवर कच्छ डिस्ट्रिक्ट दैट इज रुद्रमाता डैम, बुखी डैम, चांग डैम, ओके, ये सब यहाँ की डैम है. द फ्लेमिंगो फ्लोज फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कदान डैम ऑफ महिसागर. ओके, फ्लेमिंगो ये सब प्लेस में से मूव होता है. गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पजेसिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज. ओके, गुजरात के गांधीनगर ऐसा सिटी है जहाँ पे हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे गुजरात के. द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोडा पार्क एंड महात्मा मंदिर. ओके, वहाँ पे भी ये जाते हैं. फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. ओके, वहाँ से अहमदाबाद जाता है जो साबरमती रिवर पे सिचुएटेड है. दिस इज गांधी आश्रम. जय हो गांधी बापू. ओके, नेक्स्ट वहाँ पे गांधी आश्रम आता है जहाँ पे गांधी जी के रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो वहाँ पे है. गांधी जी का पूरा आश्रम है. वाओ, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ओके, आप में से बहुत सारे वहाँ पे गए भी होंगे. कांकरिया लेक है जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है. नेक्स्ट पेज नंबर 56. नल सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर. ओके, नल सरोवर है बर्ड सेंचुरी है जो अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर के बीच में है. ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर. ओके, विंटर सीजन में फॉरेन बर्ड्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं. आई एंजॉयड इन गुजरात, एंजॉयड अ लॉट, आई लव गुजरात. ओके, गुजरात मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उसको बहुत ही प्यार करता हूँ. हियर डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू गिवन द वन एक्टिविटी दैट इज फिल येलो कलर्स इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो. ओके, ऑन पेज नंबर इन प्रीवियस वी ऑन 54 एंड 5 वी लर्न अबाउट दैट द बर्ड फ्लेमिंगो इज मूव फ्रॉम दिस प्लेस. ओके, यहाँ से फ्लेमिंगो मूव करते हैं. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको येलो कलर करना है. द नेक्स्ट गुजरात इज आवर्स, नाइदर माइन नॉर योर्स, नाइदर हीज नॉर हर्स. गुजरात बिलोंग्स टू अस, गुजरात इज आवर्स. ओके, गुजरात मेरा या आपका नहीं है, गुजरात हम सब का है. ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन MCQs in that first one, which is the second largest part of our country. Okay, kunsa sorry port, second largest port of our country. To answer aayega B, Kandla. Second, grass growing in which region of Kutch is the tallest grass of Asia. Okay, humne during the chapter dekha tha Asia ka sabse tallest grass jahan pe grow hota hai, that is banni. थर्ड, विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ अवर कंट्री. ओके, तो आएगा डॉल्फिन. फोर्थ, विच इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. तो सापुतारा है वो. गुजरात का सिर्फ ओनली वन हिल स्टेशन. ओके, सो दैट इज सापुतारा. फिफ्थ, विच डैम इज बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम है? सरदार सरोवर. सिक्स्थ, विच माउंटेन रेंज लाइज ऑन डांग डिस्ट्रिक्ट. तो सतपुड़ा है वो, डांग डिस्ट्रिक्ट में है. सेवन्थ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज मोस्टली फॉरेस्ट रीजियन. ओके, गुजरात के कौन से रीजियन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर फॉरेस्ट रीजियन है? तो ऑप्शन आएगा सी, डांग. एट्थ, वेर इज इंद्रोडा नेशनल पार्क लोकेटेड. इंद्रोडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो गांधीनगर में है. सो आंसर इज ऑप्शन सी, गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, द बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड. उसको क्या कहते हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं बर्ड्स, उसको माइग्रेटरी बर्ड्स. सेकंड, डैश पोर्ट इज सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ. तो कंडला पोर्ट है वो, कच्छ में है. थर्ड वन,
डैश आइसलैंड इज सिचुएटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, तो पिरोटन। फोर्थ, डैश आर द हाईएस्ट हिल ऑफ गुजरात, तो गिरनार है वो गुजरात का हाईएस्ट हिल प्लेस है। फिफ्थ, डैश इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात का कैपिटल कौन सा है, गुजरात स्टेट का, सो दैट इज गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। सिक्स, अरवली माउंटेन्स रेंज इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट, अरवली माउंटेन वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, सो द आंसर इज बनासकांठा। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, फर्स्ट वन, फ्लेमिंगो स्टार्ट्स इट्स गुजरात टूर फ्रॉम नल सरोवर, फ्लेमिंगो है वो अपनी गुजरात टूर है वो नल सरोवर से स्टार्ट करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। थर्ड, साबरमती रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, साबरमती रिवर है वो गुजरात की लाइफ लाइन है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ, नल सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर है वो बर्ड सेंचुरी है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ, पावागढ़ हिल्स आर इन अरवली माउंटेन्स रेंज, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, सापुतारा इज इन डांग डिस्ट्रिक्ट, सापुतारा है वो डांग डिस्ट्रिक्ट में, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द वन मार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स दैट मीन्स बर्ड विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके, जो बर्ड्स दूसरे कंट्री से आते हैं, ओके, उसको हम कहेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकंड, विच टाउन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो कॉल्ड द टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, ओके, कच्छ का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम टाउन ऑफ फ्लेमिंगो कहते हैं, सो दैट इज अबड़ासा ऑफ कच्छ इज ऑल्सो कॉल्ड द टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, ओके, अबड़ासा जो प्लेस है, ओके, जो नलिया के में है, पास में है, तो वो है, उसको हम टाउन ऑफ फ्लेमिंगो कहते हैं। थर्ड वन, वेयर इज द बिगेस्ट फिशरी सेंटर ऑफ गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा फिशरी सेंटर कहाँ पे है, सो दैट इज वेरावर इज द बिगेस्ट फिशरी सेंटर ऑफ गुजरात। फोर्थ, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो जिसमें हम रहते हैं, दैट इज कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग्स विच वी शुड हैव दी नो। फिफ्थ, विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, ओके, कौन सी सी है वो गुजरात के वेस्ट पार्ट में, सो द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द टू मार्क्स, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ, ओके, हमारे जो लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ है उसकी स्पेशलिटी क्या है, द स्पेशलिटी ऑफ द लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन द लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ, ओके, यहाँ पे जो ये लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ है, यहाँ पे हमारे कंट्री में जितना सॉल्ट है ना टोटल, उसमें से मोर देन हाफ, ओके, यानी 50% से ज़्यादा हमारे पूरे कंट्री का सॉल्ट है वो हमारे यहाँ पे लिटिल डेजर्ट ऑफ कच्छ से प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज द वेरी बिग थिंग्स फॉर अस। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड इज नोन एज सेंचुरी, ओके, ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल, ओके, कोई भी फियर के बिना यानी डर के बिना रह सकते हैं, ऐसे प्लेस को हम कहेंगे सेंचुरी। थर्ड वन, विच ट्रीज ग्रो इन फॉरेस्ट ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट, ओके, डांग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं, सो दैट इज बम्बू, जिसमें से हमें उस टाइप्स के थिंग्स मिलते हैं जिसको हम बम्बू से ब्रिज भी बन सकता है। देन आफ्टर सदान, सीसम, तिमरू एक्सेट्रा ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग। फोर्थ, सेंचुरीज फॉर विच एनिमल्स आर देयर इन गुजरात, वेर आर दीज सेंचुरीज लोकेटेड, ओके, सेंचुरी है वो कौन से एनिमल के लिए गुजरात में है एंड वो कहाँ पे लोकेटेड है, सो देर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक स्लोथ बियर, वाइल्ड एस, चिंकारा, लायन, ये सब एनिमल के लिए गुजरात में
सेंचुरीज है एंड उसका लोकेशन है स्लोथ बियर दैट इज इन जैसर दैट इज इन बनासकांठा, वाइल्ड एस दैट इज इन कच्छ, ब्लैक बुक दैट इज इन भावनगर, चिंकारा जो डियर है वो भी कच्छ में देखने मिलता है एंड लायन दैट इज गिर विच इज सिचुएटेड इन जूनागढ़। Next, very long question for the 3 marks. Why do birds from foreign countries migrate to our state? Okay, दूसरे country से birds है वो हमारे country में क्यों migrate करते हैं? During the chapter, we also did discuss about that. So, we can say that birds migrate from foreign countries are cold region birds. Okay, दूसरे country से almost जो birds हमारे यहाँ पे जो migrate करते हैं वो cold region के birds होते हैं. इन विंटर अवर स्टेट गुजरात बिकम्स कोल्ड. ओके, विंटर के टाइम में हमारा गुजरात है वहाँ पे ठंडी बहुत होती है. द टेम्परेचर एंड एटमोसफियर हियर सूट्स द माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, विंटर का जो हमारा गुजरात का टेम्परेचर एंड एटमोसफियर होता है वो ये बर्ड्स को सूटेबल होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज बर्ड्स ऑल्सो गेट देयर ईयरली ट्रिप. ओके, उसकी वजह से ये बर्ड्स है वो यहाँ पे आते हैं उसकी ईयर की ट्रिप के लिए एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर उसको सूट होता है. सेकंड, व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप क्या क्या करोगे. सो वी कैन से दैट वी विल नॉट डिस्टर्ब द लिविंग एनिमल्स इन वाटर. ओके, जो पानी में एनिमल्स है हम उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, बहुत टाइम हम ऐसे करते हैं, पानी में फिश या दूसरा कोई एनिमल है तो उसमें हम पत्थर फेंकते हैं, दूसरा कोई थिंग्स फेंकते हैं. ओके, उसको देखने के लिए. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू दीज अवर एक्टिविटी दे विल बी डिस्टर्ब, सो वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. सेकेंड, वी विल नॉट लेट द डोमेस्टिक एनिमल बाथ इन वाटर. ओके, हमारे जो एनिमल्स है उसको कभी हम इस तरह का लेक में और रिवर में उसको बाथिंग नहीं कराएंगे. थर्ड वन, वी विल नॉट फीड द लिविंग एनिमल्स इन वाटर विथ प्रॉपर फूड. सॉरी, वी विल फीड. ओके, हम करेंगे, वी विल फीड द लिविंग एनिमल्स इन वाटर विथ प्रॉपर फूड. उसको हम प्रॉपर फूड ही देंगे, दूसरा कुछ गार्बेज वगैरह आसपास में थिंग्स है वो उसको हम एज अ फूड नहीं डालेंगे उसके पास. नेक्स्ट, वी विल सी दैट नो वन थ्रो गार्बेज इन वाटर. ओके, हम उसका ख्याल रखेंगे कि कोई पानी में गार्बेज नहीं डाले. अगर कोई इफ एनीवन डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वी विल एक्सप्लेन फॉर दैट. हम उसको समझाएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज फॉर दैट. Do the revise so you can do the well. Thank you.